compromise. धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, कबीर जयंती के पावन पर्व पर आप सब अनेक संतों के सुंदर विचार सुन चुके हैं और सभी को मिलाकर सदगुरु कबीर के सभी पहलुओं पर आप विचार सुन चुके हैं। सदगुरु कबीर संत परंपरा में एक निराले और अद्वितीय संत हुए। कबीर पंथ की परंपरा में कबीर साहब को सदगुरु कबीर कहा जाता है, लेकिन नाना मत के संतों ने कबीर साहब को संत शिरोमणि कहा है, संतों में सिर मुकुट। उनका जीवन दर्शन, उनका कथन सब कुछ अद्भुत रहा है। कबीर जैसे तो केवल कबीर ही हैं। कबीर ऐसे महापुरुष हैं जिनमें हम सागर की गहराई और हिमालय की ऊंचाई एक साथ देख सकते हैं। कबीर वाणी अन्य संतों की वाणियों की अपेक्षा लोगों को क्यों ज़्यादा आकर्षक लगती है और अपनी ओर खींचती है, इसका मूल कारण है कि कबीर साहब की सारी वाणियाँ जीवंत वाणी हैं, लोगों के बीच रह करके कही गई है। सब जानते हैं कि सदगुरु कबीर ने लिखा नहीं है, कहा है, और कहना सदैव लोगों के बीच होता है और अधिक प्राणवान होता है। इसके साथ साथ कबीर वाणी में जो प्रभावकता है, आकर्षण है, उसका एक और कारण कबीर साहब कहने के लिए नहीं कहते हैं, रहने के लिए कहते हैं, और जैसा उन्होंने जिया, जैसा उन्होंने अनुभव किया, वैसा उन्होंने कहा। किसी बात को कहने के पहले वे अपने जीवन में प्रयोग कर लेते थे, अनुभव करके देख लेते थे कि बात सही सच है या गलत। जब उन्हें लगता था कि बात सच है तब वे कहते थे, परख की कसौटी उनके पास थी और लोगों को वे परख की कसौटी देते हैं। वे ये कहते हैं साचा शब्द कबीर का कोई नहीं गर्व व्यक्ति मान सकता है। कबीर साहब कहते हैं मेरे जो शब्द हैं वे सत्य के परिचय देने वाले, सत्य के निर्णायक हैं, सत्य का बोध कराने वाले हैं। लेकिन वे ये नहीं कहते जो मैं कह रहा हूँ उन्हें आँख मूंद करके मान लो, कबीर कह रहे हैं इसलिए मान लेना है। वे कहते हैं हृदय देखो विचार, हृदय में विचार करके देखो सच है या नहीं है। यदि लगता है सच नहीं है तो छोड़ दो, और लगता है सच तब स्वीकार करो।
लोग धर्म क्षेत्र में कहते हैं प्रायः, मान लो पहले, और मान लो मान करके करना शुरू करो तब फिर धीरे धीरे जान लोगे, समझ लोगे। कबीर साहब कहते नहीं, जान लो और तब मानो। बिना जाने हम मानते चले जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। कहीं कबीर जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव, कहीं कबीर तब बाँच साहब कहते हैं तब बची हो जब राम ही जानी, जानो और जानने के लिए निष्पक्ष होना होगा, परख की कसौटी पर कसना होगा। कबीर साहब कहते हैं किसी भी बात को परख की कसौटी पर कसो, परख पारख। ये कहते हैं पारख बिना विनाश है, बिना परख के आदमी का विनाश है। और जिसके पास परख है अपने को विनाश से बचा लेता है, परख जिसके पास है वो कहीं भूलता नहीं है, भटकता नहीं है, धोखा नहीं खाता। हम जीवन में कहीं भी धोखा खाते हैं, व्यवहार या परमार्थ के क्षेत्र में, उसका मूल कारण यह है कि हम अपने पास परख की कसौटी नहीं रखते हैं। बोलना है परख की कसौटी लगा लें कि जो बोलने जा रहा हूँ उचित है या नहीं है। अब परख की कसौटी लगा करके बोलेंगे तो क्या हमारी जबान से गलत बात निकलेगी, अनावश्यक बात और चुभने वाली बात निकलेगी? फिर तो वही बात निकलेगी जो निर्णय युक्त हो, जिस जो कल्याण कर करना है परख करो कि जो करने जा रहा हूँ उचित है या नहीं, मेरे अपने लिए और समाज के लिए हितकर है या नहीं। लगता है कि मेरे लिए तो हितकर है लेकिन समाज के लिए हितकर नहीं है तो मत करो। ये लगता है कि समाज के लिए हितकर है मेरे लिए हितकर नहीं है तो मत करो। वही काम हमें करना है और वही बात हमें कहना है जो हमारे अपने स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हितकर कल्याणकर हो। ये कब होगा? जब हम बोलने के पहले और करने के पहले परख की कसौटी लगा लेंगे। तब खाने बैठो, परख की कसौटी लगाओ, कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, गलत चीज़ नहीं खाएंगे, समय विरुद्ध नहीं खाएंगे। हर जगह परख की कसौटी, वे हमें पारखी बनने को कहते हैं। पारखी बनो, जो पारखी नहीं होता है वो धोखा खाता है। ये कबीर साहब की पहली देन है। हम परख की कसौटी लगाएं तो कहीं भ्रम में, चमत्कार में, अंधविश्वास में, मिथ्या महिमा में, भ्रांतियों में भूलेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। धर्म के क्षेत्र में चलने वाले जितने भी अंधविश्वास है, भ्रम हैं, कल्पनाएं हैं, चमत्कार हैं, सबके मूल में क्या है? परख न करना। लोग कहते जा रहे हैं हम मान लिए, परख करें तो पता चल जाएगा ये भूत प्रेत जादू टोना तमाम प्रकार के अंधविश्वास, चमत्कार, भ्रम, कल्पना, केवल मिथ्या विश्वास, मन को कमजोर करने वाला और इसके साथ साथ मनुष्य का मानसिक शोषण करने वाला। धर्म क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो अनेक प्रकार के भ्रम, अंधविश्वास, चमत्कार, मिथ्या महिमा का जाल खड़ा करके लोगों को उसमें उलझाते हैं और उनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक हर प्रकार से शोषण करते हैं। लोगों के मन में लोभ है और भय है। आदमी जितना लोभी होगा और भयभीत होगा
उसको लूटने वाले और भटकाने वाले लोग मिलते जाएंगे। भय है छूटने का, शरीर है, परिवार है, धन है, जमीन है, जायदाद है, पद है, प्रतिष्ठा है, मकान दुकान है, ये छूटे न, इनका विनाश न हो, ये भय। मौत न आ जाए, भय। लोभ है बिना मेहनत पाने का, आशीर्वाद मात्र से, कृति की कृपा मात्र से धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ये लोभ और भय। धर्म क्षेत्र में आप कहीं भी जाएं, कोई मत कोई मजहब हो, आपको दो चीज़ें मिलेंगे, भय और लोभ। नरक का भय और स्वर्ग का लोभ, पाप का भय पुण्य का लोभ। ये भय और लोभ दिखा करके लोगों का पहले मानसिक और बौद्धिक शोषण किया जाता है, फिर आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। आज भी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार हैं, विद्वान हैं, लेकिन कैसे कैसे भ्रम में का आदमी जा रहा है रास्ता में, मंदिर में कोई कोई पात में मंदिर है, सड़क किनारे मंदिर है, ख्याल नहीं किया, आगे बढ़ गया, भयभीत हो जाता है, अरे मंदिर का भगवान प्रणाम नहीं कर सका, कहीं नाराज ना हो जाए, लौट कर आता है आदमी, प्रणाम करता है, कैसा भय है आदमी के मन में। जो वो प्रणाम न करने मात्र से नाराज हो जाए, वो भगवान कैसा। लेकिन हमारे मन में भय कि भगवान को प्रणाम नहीं किया, मंदिर से मंदिर निकल गया, आगे लौट कर आता है आदमी। कई बार तो जाना होता है गाड़ी में बैठ करके, बगल में ड्राइवर बैठे रहते हैं, जितने मंदिर आएंगे सब जगह जगह वो सिर झुकाते नमस्कार करते चले जाएंगे। क्यों? भय कि भगवान नुकसान न कर दे। और दूसरा, भगवान को नमस्कार करते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे तो भगवान हमारा हर काम बनाता रहेगा। अब काम कितने लोग बनता है वो बात अलग है, नहीं बनता वो बात अलग। लेकिन भय और लोभ, कबीर वाणी हमें भय और लोभ दोनों से मुक्त करती है। गहराई से कबीर वाणी का अध्ययन कर ले तो भ्रांति रहेगी ही नहीं, भ्रम रहेगा ही नहीं, बिना परिश्रम के कुछ पाने का लोभ नहीं रहेगा। इतना ध्यान देना है, यदि हमारे कर्म गलत हैं, हमारी रहनी गलत है, हमारा आचरण गलत है, हमारी वाणी गलत है, हमारे मन की भावनाएं गलत है, तो दुनिया का कोई भगवान हमारा भला नहीं कर सकता है। और यदि हमारे कर्म उज्ज्वल हैं, पवित्र हैं, हमारे आचरण, हमारा चरित्र शुद्ध है, हमारी वाणी संयमित है, हमारे मन की भावनाएं पवित्र है, निर्मल है, और मन आत्मलीन है, तो एक नहीं एक लाख भगवान मिलकर के हमारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। कबीर वाणी हमें ये बताता है। लेकिन आदमी भयभीत, कितना कितना भयभीत, भय में रह कर। पूजा का अर्थ है इष्ट के सामने अपने मन की भावनाओं को रखना, प्रकट करना, समर्पण। चलो कोई बात नहीं, कहीं इष्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन सच्चे दिल से समर्पण। लेकिन आदमी पूजा के नाम पर भटक रहा है, और उसमें भी लगता है आदमी को भगवान भी मान रहा है, देवता भी मान रहा है, पूजा भी कर रहा है, लेकिन पता नहीं विश्वास है भी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कोई एक मूर्ति रख लिया, चाहे जिसकी हो, किसी ने राम की मूर्ति, किसी ने कृष्ण की, किसी ने शिव की, किसी ने विष्णु की, किसी ने गणेश की, किसी ने हनुमान की, किसी ने
कोई देवी की, अब अपने मान पूजा भगवान मानकर पूजा कर लेते हैं, चलो अच्छा है। कुछ लोग क्या होते हैं, दो चार देवी देवता रख लेते हैं, और किसी घर में जाओ तो लगता है कि पूरा देवी देवता, लगता है कि खिलौने सब इकट्ठे ही थे, बहुत सारे भगवान। एक घर में गया तो कहता भैया मंदिर है बहुत, तो दिखा रहे थे जो ले गए थे वो देहाती देखे, देखा साहब यहाँ बहुत से भगवान है। मैंने कहा अच्छा है, अरे कोई भगवान छुट्टी पर चला जाए तो एक भगवान तो काम करेगा ना, भगवान है तो कोई एक भगवान छुट्टी पर चला गया तो अब कोई भगवान छुट्टी चला गया अब काम अटक गया तब तो और भगवान बोले तो काम आ जाएगा ना। अच्छा है चलो इसी बहाने। कितना आदमी भटका हुआ भयभीत है, और सब खिलौने हैं, मन को खिला मन को बहलाने के लिए खिलौने तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन वहां भी शुद्ध भावना नहीं। कबीर वाणी इन खिलौनों को खेलने के लिए नहीं कहती है, क्योंकि कबीर वाणी हमें भ्रांति में रखती नहीं है। निर्भय बनिए आप, सबसे बड़ा भगवान है हमारा कर्म, और सबसे बड़ी पूजा है कर्मों की पवित्रता, कर्मों की शुद्धता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जह जह डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा। अपनी भावनाओं को अपने विचारों को ऐसे उदात्त बनाए, ऐसे पवित्र बनाए, और पवित्र भावना रख करके जो आप काम करेंगे वो काम पूजा बन जाएगा। झाड़ू लगाना, बर्तन मानना, कपड़ा धोना, भोजन बनाना, नाली साफ करना, खेत जोतना, खेत गोड़ना, विद्यालय में पढ़ाना, कोई भी जीवन के सारे काम पूजा। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक कोई पूजा काम नहीं आने वाली है। कबीर का भगवान, कबीर का देवता आकाश पाताल में नहीं है, कबीर का देवता जमीन पर है। इसलिए वे कहते हैं कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। जितने आत्माएं जितने प्राणी हैं सब शालिग्राम भगवान है, प्रत्यक्ष जीवित। इसलिए वे कहते हैं कि आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हतित पहचानो, सुंदर रूप निहार। भगवान को देवता को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए मुझे आंख बंद करने की, कान बंद करने की, काया कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो खुले नेत्रों से जहां देखता हूं उधर ही मुझे भगवान का, देवता का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। देखो यहां पर प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं भगवान भगवती देवी देवता, इनसे बड़ा भगवान, इनसे बड़ा देवता, इनसे बड़ी भगवती, इनसे बड़ी देवी आपको कहाँ मिलेंगे। और लेकिन दुर्भाग्य, हमने भगवान को और देवता को इंसान से प्राणियों से काट करके या तो मंदिर में बैठा दिया या आकाश में भेज दिया। इंसान में देवता नहीं, इंसान में भगवान नहीं है, मंदिर में बैठा हुआ है मूर्ति या चित्र के रूप में या आकाश में बैठा हुआ है, लेकिन न मंदिर का देवता काम आएगा न आकाश का भगवान काम आएगा। आप पर विपत्ति पड़ेगी तो धरती का देवता, धरती का भगवान काम आएगा, उनको समझना होगा। कबीर साहब का सगुण परमात्मा, साकार परमात्मा ये प्राणी है। लोग ये भी कहते हैं कि कबीर साहब ने तो सगुण को माना ही नहीं है, ये तो निर्गुण को मानते हैं। ऐसा कहने वाले लोग अभी कबीर को समझे नहीं हैं, ऊपर ऊपर समझे। कबीर सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, और कबीर पक्के सगुणवादी हैं। सगुण का अर्थ क्या होता है, गुण सहित, जिनमें गुण हो, जानने का, बोलने का, समझने का, खाने का, पीने का, सुख दुख का, जिनमें गुण हो सगुण।
जिनको आप सगुण मानते हो। लोग मूर्ति पूजा चित्र पूजा को मानते हैं सगुण उपासना। आप मंदिर जाते हो किसी की मूर्ति है, रोज आप नमस्कार करते हो, किसी दिन कहा है बेटा खुश रहो तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद दिया किसी दिन। लेकिन घर में माता पिता हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, प्रणाम करके देखो तुरंत आशीर्वाद मिलेगा, तो सगुण कौन? मूर्ति सगुण है या जीवित आदमी सगुण है? लेकिन हम सगुण उसको मानते हैं जो न बोलता है न डोलता है न खाता है न पीता है, प्रणाम करके आशीर्वाद भी नहीं देता है, यहाँ तक अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी दूर नहीं कर सकता। और कोई चुराने के लिए आता है तो है अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, हाथ भी तोड़वा डालता है, और आंखें भी फोड़वा डालता है। हम उनको सगुन मानते हैं, उनको सगुन नहीं मानते जो प्रत्यक्ष चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सुख दुख के अनुभव होता है, आशीर्वाद देते हैं, उनको सगुन नहीं मानते। तो कबीर का सगुन, कबीर का साकार देवता साकार परमात्मा प्राणी, देखो यहां बैठे हुए प्राणी जगत, और उनका निर्गुण, वे निर्गुण को भी मानते हैं, उनका निर्गुण घट घट में बैठा हुआ है। यहां जो कहते हैं वे कि आंख न मूंदो कान न रूंधो काया कष्ट न धारो खुले नैन हत पहचानो सुंदर रूप निहारो, ये हाँ सगुण का वर्णन वे कर रहे हैं देखने के लिए। ऋग्वेद में विराट पुरुष का वर्णन आता है, गीता में भी आता है कि कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। तो गीता का विराट रूप तो काल्पनिक है, गढ़ लिया गया है। ऋग्वेद का जो विराट पुरुष है यथार्थ है। वहां कहा गया है सहस्र तीर्था पुरुषा साक्षात सहस्र पाद सब भूमो विस्तो वृत्ता तिष्ठत दशांगुलम। उस विराट पुरुष के हजारों सिर हैं, हजारों हाथ पैर हैं, हजारों आंखें हैं। वो कौन है विराट पुरुष? ये मानव समाज, ये प्राणी समाज विराट पुरुष, इसके हजारों सिर हजारों आंखें हजारों हाथ पैर, एक एक व्यक्ति उस विराट पुरुष के एक एक अंग हैं, और सब की सामूहिकता उसका पूरा स्वरूप है, व्यष्टि और समष्टि। ये मानव समाज विराट पुरुष भगवान है, इसकी उपासना इसकी सेवा, किसी इसको किसी भी मनुष्य को हमारे तन मन वचन से किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, जो बन सके सेवा सहयोग उपासना, ये विराट पुरुष भगवान की पूजा है, प्रार्थना है, उपासना है। और कबीर कहते हैं उस विराट पुरुष को देखना है तो प्राणी मात्र में मनुष्यों में देखो, और निर्गुण रूप में देखना है तब। इसलिए वे कहते हैं तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। तेरा जो साहेब है, तेरा जो परमात्मा, तेरा जो प्राप्तव्य है, वो तो शरीर के भीतर बैठा हुआ है, जीव के रूप में, चेतन के रूप में, आत्मा के रूप में, बाहर आंखें खोल करके क्या देख रहे, कहां भटक रहे हो? तो दोनों को समझना है। इसलिए हमारे साथी विवेक ने कहा था सरगुण की करी सेवा निर्गुण का करु ज्ञान, सेवा सदैव सगुण की होती है, सगुण जो प्रत्यक्ष है, सेवा होती है जानदार प्राणियों की। निर्जीव की सेवा करते हैं वो भी जानदार के लिए, जैसे मकान निर्जीव है, इसकी सेवा क्या है? इसको समय समय से झाड़ते पोंछते रहना, समय समय से लिपाई पोताई करते रहना, कोई टूट फूट हो तो मरम्मत करते रहना, इसकी सेवा है। तो किसके लिए? क्योंकि यहाँ जानदार मनुष्य आकर के बैठेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान चिंतन करेंगे, साधना करेंगे, इसके लिए है ना, मूल में सगुण है। तो सेवा सगुण की होती है। और आप कहते हैं निर्गुण का करो ज्ञान, ज्ञान करना है तो निर्गुण का, और निर्गुण प्रत्येक घट में बैठा हुआ जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है। इसलिए ताकत है भटको मत बाहर, सगुण परमात्मा देखना है तो प्राणियों में देखो,
निर्गुण देखना है तो अपने घट के भीतर देखो, अपने घट में देना वारू ले, इसलिए वे कहते हैं। कबीर का जो धर्म है, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम में नहीं है। कबीर का धर्म मत पंथ संप्रदाय नहीं है। कबीर का धर्म कर्मकांड पूजा पाठ हवन तर्पण तीर्थ स्थान तीर्थ स्नान नहीं है। कबीर का धर्म है मानवता, कबीर का धर्म है नैतिकता सदाचार, जिसके लिए हमारे गुरु जी कहा करते थे अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील और करुणा का व्यवहार। जहां दया तहां धर्म है, कबीर साहब कहते हैं दया, दया में धर्म है। और यदि दया मन में नहीं है तो आदमी धर्म को समझ नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने ये कहा, तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। ए, तुम्हारे मन में दया धर्म नहीं है तो मुखड़ा बार दर्पण में देख देख रही क्या कर रहा है। तो धर्म है नैतिकता, धर्म है शील, धर्म है सदाचार, अपने पर संयम, दूसरों साथ करुणा का व्यवहार। हम क्या चाहते हैं स्वयं समझें। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के साथ करना, ये धर्म है। साहब ने कहा, सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसत ही रही। जिसके हृदय में सदैव धर्म का निवास होता है वो राम कसौटी अपने को कसता रहता है। राम कसौटी क्या है? अंतरात्मा की कसौटी। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी अंतरात्मा क्या गवाही देती है, इसको समझ लेना। जो अपने दिल की आवाज़ को सुन लेगा, अपने अंतरात्मा को समझ लेगा, वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर ही नहीं सकता है। हम क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसकी पूजा करते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है हम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कैसा है। तो आचरण की पवित्रता, नैतिकता, ये धर्म, इसकी आवश्यकता सबको है। धर्म वह है जो न कभी बनता है और न बिगड़ता है। धर्म वह है जिसको माने बिना दुनिया का कोई आदमी मानसिक शांति, प्रसन्नता और संतोष का अनुभव नहीं कर सकता है। जिसको कोई माने या न माने वो धर्म नहीं है। संप्रदाय है, मजहब है, मंदिर है, मठ है, पूजा है, कर्मकांड है। मंदिर में सब नहीं जाएंगे, मस्जिद में सब नहीं जाएंगे, गिरजा गुरुद्वारा में सब नहीं जाएंगे, सब लोग तीर्थ स्नान नहीं करेंगे, सब लोग पूजा नहीं करेंगे, सब लोग पाठ नहीं करेंगे, सब लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, सब लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, सब लोग वेद का पाठ नहीं करेंगे, सब लोग कुरान पाठ नहीं करेंगे, सब लोग बाइबिल पाठ नहीं करेंगे, सब लोग गुरबानी का पाठ नहीं करेंगे। ये तो एक कर्म कांड है, एक एक मत के अनुसार एक मार्ग है। लोगों को अपने मन को उलझाने का, एक फंसाए रखने का एक साधन है। इनमें विभिन्नता है। कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई कर्मकांड ऐसा नहीं है जिसमें एक रूपता हो। तो जिसे कोई माने और कोई ना माने वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, संप्रदाय है, पंथ है, परंपरा है, पूजा है, पाठ है, कर्मकांड है, धार्मिक स्थल है, उपासना स्थल है। लेकिन जिसे माने बिना दुनिया का कोई भी आदमी सुख शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी सकता, वो धर्म। जैसे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, सहनशीलता, उदारता, जो भी सद्गुण हैं, सत्य, विवेक, विचार, धैर्य, ये धर्म है। क्षमा को छोड़कर, शील को छोड़कर, करुणा को छोड़कर, धैर्य और सहनशीलता को छोड़कर, प्रेम, समता, एकता को छोड़कर,
क्या दुनिया का कोई आदमी सुखपूर्वक जीवन जी सकता है, शांति का अनुभव कर सकता है? आत्मसंयम को छोड़कर क्या जीवन को सही ढंग से व्यतीत कर सकता है? इसलिए आत्मसंयम धर्म है, नैतिकता धर्म है, दया धर्म है, प्रेम धर्म, करुणा धर्म है। इसकी आवश्यकता किसको नहीं है? कुल मिलाकर के कहें तो मनवानी कर्मों की शुचिता, मनवानी कर्मों की निर्मलता, ये धर्म है। और मनवानी कर्मों की निर्मलता आ गई तो क्या किसी इंसान गलत व्यवहार होगा? तो कबीर का धर्म जीवन में उतरने वाला धर्म है। कबीर धर्म किसी स्थल में केंद्रित नहीं है, किसी कर्मकांड में केंद्रित नहीं है, जीवन में केंद्रित। जीवन धर्म की चीज है। हम धर्म को, धर्म जीवन चीज, हम धर्म को जीवन से अलग नहीं कर सकते। हमने धर्म को जीवन से कारगर अलग कर दिया, इसलिए हर जगह अव्यवस्था हो गई। धर्म को समझना होगा। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा जो प्राप्तव्य है वो अलग नहीं है, भटकना नहीं है, ये समझना होगा। बाहर की मंजिल चल करके मिलती है, लेकिन अंदर की मंजिल रुकने से मिलती है। और अंदर की मंजिल का मतलब आत्मस्थिति, आत्मशान। कोई अंदर ऐसे मंजिल नहीं है। हम चलने के अभ्यासी, इसलिए हम मोक्ष को, कैवल्य को, निर्वाण को, परमात्मा को, ब्रह्म को, या अन्य और जिस सदुपयोग करना चाहें बाहर से पाना चाहते हैं। ताकत चलना नहीं है, रुकना है। रुक जाओ, उनकी उलटवासी है कबीर उल्टा ज्ञान का, कैसे करूं विचार, बैठे ते ही पथकटे चला चली नहीं पाए। ताकत उल्टा ज्ञान का मैं कहां तक विचार करूं? बैठ जाओ, रास्ता कट जाएगा। चलते रहोगे तो कभी पार नहीं पाओगे, कि पहुंचोगे नहीं। तो बैठने का अर्थ क्या है? हाथ पर बटोर करके, आलसी बन करके बैठ जाना, रुक जाना, तो क्या मंजिल मिल जाएगी? ये हाथ पैर बटोर कर बैठने के लिए कबीर साहब नहीं कहते हैं। बैठने का अर्थ है मन का शांत हो जाना। पैर भले चलते रहें, मन नहीं चलना चाहिए। और होता क्या है, आदमी के पैर रुके हुए हैं और मन चल रहा है, गड़बड़ी यहां है। रुकने का मतलब शरीर से गतिशील रहो, शरीर से सेवा परायण रहो, लेकिन मन शांत। मन में इच्छा नहीं, कामना नहीं, मन में वासना नहीं, मन में कल्पना नहीं। मन शांत हो गया, मंजिल मिल गई। मंजिल तो मिली मिलाई है, मन भटक रहा है, इसलिए मंजिल हम भूल गए हैं। मन का शांत होना, कबीर साहब ये नहीं कहते कि जो काम करते हो काम छोड़ दो। कबीर साहब स्वयं जीवन भर कर्मशील रहे हैं। अरे जुलाहे के घर पाले पोसे गए, कपड़ा बुनने का काम किए, प्रचार बढ़ा होगा, छोड़ दिया होगा, लेकिन यदि कबीर साहब जब जब काशी में आते रहे होंगे, अवसर मिलता रहा होगा, तो जरूर वो कपड़ा बुनते रहे होंगे। आलसी और निकम्मा बनकर बैठना कबीर साहब जानते नहीं थे। वे तो कर्मकरों के पक्षधर है, सतत वे कर्मशील रहने की बात करते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कर्म तो करो, जीवन में बाहरी जो विकास है वो कर्म करने से होगा। जीवन का निर्वाह कर्म से ही होगा। कर्म छोड़ दे आदमी तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? लेकिन इसलिए अपने लिए और दूसरों के लिए कर्मशील होना होगा। लेकिन साहब ये कहते हैं कर्म तो करो, लेकिन कर्म करते हुए साहब कहते हैं कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म भी करो और अकर्मी रहो। तो कर्म करते हुए अकर्मी कहते रहें? कर्म करते हुए निष्काम, चाहना रहित,
फल की इच्छा से रही, सामने वाला मेरे लिए क्या करेगा, इस इच्छा और कल्पना से रहित हो जाओ। बस कर्म करते हुए अकर्मी, कर्म करते हुए अकर्मी होना ही जीवन जीने की बहुत बढ़िया कला है। ये कला जिसको आ जाती है उसका व्यवहारिक जीवन और परमार्थिक जीवन दोनों उज्जवल हो जाते हैं। हम एक पक्ष को लेते हैं, हमारा जीवन भौतिकता और आध्यात्मिकता, जड़ और चेतन दोनों का संगम है। जड़ भौतिकता का क्षेत्र है, चेतन आत्मा का आध्यात्मिकता का क्षेत्र है। तो जड़ शरीर के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन कितना भी हम भौतिक उन्नति कर लें उससे मन की भूख दूर होने वाली नहीं है, मन की पीड़ा दूर होने वाली नहीं है। उसके लिए तो चाहिए निष्कामता, निर्मोहता, अनासक्ति आत्मज्ञान। यही है कर्म करते हुए अकर्मी होना। मन निष्काम हो गया, सारी कल्पना छोड़ दिया, मन बस मंदिर मिल गई, भटकना कहीं नहीं, हमें बाहर से पाना कुछ नहीं, जो हमें चाहिए वो सब मिला मिलाया है। कबीर साहब हमें अपने ओर लौटने की राय देते हैं, स्वयं को समझने की राय देते हैं। अपने ओर नहीं लौटे तो कहीं चले जाएं, कुछ भी पा जाएं, कुछ भी बन जाएं, भटकाव दूर नहीं होने वाला है, स्वयं को समझना होगा। इसलिए कबीर साहब बार बार अपने को जानने को कहते हैं। उपनिषदों में भी ये बात कही गई है, शास्त्रों में भी ये बात कही गई है, लेकिन उपनिषदों का चिंतन छूट गया, शास्त्रों का चिंतन छूट गया। आदमी कहानियों के पीछे, जो काल्पनिक कहानियां, महिमा परक कहानियां गढ़ दी गई, उनके पीछे दीवाना बन गया, लोभ दे दिया गया ना। मैं शुरू में कहा था लोभ, बिना मेहनत के भोग और मोक्ष देने का झांसा दिया गया और पाने का लोभ आदमी के मन हो गया। जिसके मन में बिना मेहनत, बिना परिश्रम के दूसरे की कृपा से, दूसरे का आशीर्वाद से भोग और मोक्ष पाने का लोभ होगा, वो आदमी जिंदगी भर ठगाता रहेगा, भटकता रहेगा, स्थित के जीवन में नहीं आएगी। कोई किसी को दे नहीं सकता है। अब बाहरी रूप में किसी को, किसी ने कपड़ा दे दिया, रुपया दे दिया, खाने पीने की चीज दे दिया, लेकिन ये पूजा के बल पर नहीं मिलेगा। उन्होंने जो कमाया परिश्रम से कमाया, परिश्रम से ही निर्वाह की चीजें मिलेगी और परिश्रम से ही आत्मशांति मिलेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा हो। उन्होंने कह दिया, करो बहिया वाला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे फोकस मरे प्यास। दूसरे की आशा छोड़ो, अपने बाहुबल का भरोसा करो। कबीर साहब ये परवाह नहीं करते कि हजारों लाखों लोग मानते आए हुए हैं, उसके विरुद्ध में मैं कैसे कह दूं। वो तो खुल करके कह देते हैं। वे कहते हैं, आपन आत कीजे बहु तेरा, काहू न मर्म पावल है, काहू न मर्म पावल हरि केरा। जिस हरि की बात तुम कर रहे हो उसका रहस्य तो आज तक कोई जाना ही नहीं, इसलिए अपने बाहुबल का भरोसा करो। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसी जीरा जम लुटे जस मटिया लुटे का। आपको तो ये लोग किसके भरोसे आलसी बन करके बैठे हुए हैं, किसको पुकार रहे हैं ये लोग? ऐसे आलसी लोगों को उसका मन, उसके मन की वासनाएं और कल्पनाएं उसी प्रकार लूटेगी जैसे कसाई मांस को लूटता है। हम परिश्रम नहीं करना चाहते, कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, उसी के कारण आदमी भटकता है, ठगाता है। सबकी कृपा हमारे ऊपर है, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जब तक हमारी कृपा हमारे ऊपर ना होगी,
स्वयं हम अपने को नहीं समझेंगे और स्वयं कर्मशील नहीं बनेंगे, किसी की कृपा काम नहीं आने वाली है। तो कबीर साहब का संदेश है, पहली बात वे कहते हैं लोभ और भय दोनों को छोड़ो, भ्रम अंधविश्वास चमत्कार मिथ्या महिमा में मत पड़ो। प्रकृति में सर्वत्र कारण कार्य की व्यवस्था है, जो होता है कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल ही होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, इस चीज को समझ लें तो सारे भ्रम अंधविश्वास चमत्कार मिथ्या महिमा सब गायब। इसके लिए कबीर वाणी का अधिक से अधिक अध्ययन करें हम लोग। कबीर साहब की अपील है आदमी जब आदमी से मिले तो आदमी बन करके मिले और आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार करे, बस मैं आदमी दूसरा आदमी, जो मैं चाहता हूँ वो दूसरा चाहता है, बस हम आदमी बन जाएं और कुछ बने या ना बने, क्योंकि आदमी बन करके हम पैदा हुए हैं। आदमी केवल आदमी बन जाए तो समाज में इतना जो विघटन है, इतनी जो फूट है, विषमता है, सब खत्म हो जाए। क्या आदमी बनने की आवश्यकता है साहब, हमें आदमी बनने की राह देते हैं, कुछ और बनने की नहीं राह। जैसा उनके लिए कहा जाता है कि वे नीरु नीमा को एक शिशु रूप में लहरतारा तालाब में मिले, मानो कबीर साहब जन्म से घोषणा करते हैं न मैं हिंदू हूं, न मैं मुसलमान हूं, न मैं ब्राह्मण हूं, शूद्र, मैं तो आदमी। कौन पता कि किसका बच्चा है वो, कबीर साहब मान लो जन्म से बता दिए और जीवन भर सीख तो दिए ही, उनका जन्म ऐसा है कि वह ये पता चलता है वो आदमी के बच्चे हैं बस, और किसका बच्चा है कहोगे उसको। इसलिए हम आदमी बने और आदमी बन करके जिए। दूसरी बात नैतिकता, सदाचार, कर्मों की पवित्रता, आचरण की शुचिता, ये धर्म है। ये किसी धर्म को हम मान लें, आचरण की शुचिता नैतिकता को, तो धर्म के क्षेत्र में इतनी मारामारी ना होगी, सांप्रदायिक भावना ना होगी। और ये समझ लें जो हम पाना चाहते हैं वो कहीं बिछड़ा नहीं है, नित्य मिला हुआ है, विस्मरण है, मन की बहिर्मुखता है, इसलिए दूर जैसा लगता है। यदि बाहर कुछ मिलेगा तो छूट जाएगा, प्रकृति का नियम, चीज मिलेगी छूटेगी, भगवान पाहत मिलेगा छूटेगा, फिर अधूरे का अधूरे। भगवान प्राप्त है आपके भीतर, हमें भगवान पाना नहीं है, आपको भगवान पाना नहीं है, अपनी भगवत्ता का उद्घाटन करना है, अपनी भगवत्ता को समझ लें, अपने ब्रह्मत्व को, अपने ईश्वरत्व को समझ लें, अपने परमात्मत्व को समझ लें। जिस शब्द का प्रयोग करना चाहें तो भटकाव कहाँ होगा, उसके लिए क्या करना होगा, वही यह मन तो निर्मल भया जयते गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया, आत्मबोध हो गया, भटकाव खत्म। हर क्षेत्र में कबीर साहब हमारी भ्रांति को तोड़ते हैं। कबीर वाणी जयंती मनाने का, कबीर वाणी पढ़ने का अर्थ यही है, हम भ्रांति से मुक्त हों, आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार करें, धर्म को मंदिर मस्जिद में न समझ करके जीवन में समझें, जीवन व्यवहार की चीज समझें, आचरण शुचिता को धर्म समझें, और मन निर्मल हो गया, अंतर्मुख हो गया, आत्मबोध हो गया, बाहर कहीं भटकना नहीं, जो हमें चाहिए वो सब मिल गया, इस घर के भीतर सब कुछ है, भटकना नहीं है, समझना है, समझ करके आचरण करना है और रुक जाना है, रुक गए मानो सब कुछ मिल गया। ये कबीर साहब का संदेश, प्रेम समता एकता का व्यवहार। स्वागत है।
स्वागत है कई बार आपका।
नंदा सन मुख पार के शेष भेट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साधे बंदगी बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय सतगुरु अभिलाष साहेब की जय संत समाज की भक्त समाज की जय साहेब।